दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक सच्ची घटना के साथ हम लोग आ चुके हैं। आज की सच्ची घटना हमें राहुल ने भेजी है और यह घटना एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। यह उन दिनों की बात है जब गांव में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी छा गई थी, तो राहुल ने सोचा कि शहर में मुझे जाके जॉब तलाश करना चाहिए। तो जॉब की तलाश में वो क्या गाँव से शहर आ गया। शहर आने के बाद उसने जैसे तैसे अपना कमरा फिक्स किया और उसको एक मार्केटिंग की जॉब मिल गई। मार्केटिंग वाले जॉब में उसे ऑर्डर लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो एक दिन की बात है जब वो मार्केटिंग के काम से लगभग उसको 12 बज गए और उसे शहर से बाहर दूसरे शहर में जाना था मार्केटिंग करने की गाड़ी से। रात के लगभग 12 बजे के आसपास मार्केटिंग के कार्य से निकल पड़ा और निकलते निकलते वह रास्ते में जाने लगा, सुनसान रास्तों से, जंगलों के बीच से गुजरने लगा हाईवे से। और जैसे ही वो हाईवे से जा रहा था तो ये रास्ता उसके लिए नहीं थी, तो उसे रास्ते में कोई दिखा और उससे उसने पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, इस बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता शॉर्टकट है, वहाँ से अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो उसने उसकी बात को मानते हुए वहाँ से शॉर्टकट निकल पड़ा और उसे पता नहीं था कि रास्ता क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए खतरनाक होने वाला है। तो रास्ते पे जैसे ही जाता है तो वहाँ पे उसके साथ ये होता है कि वह जिस मार्ग से गया था फिर से वहीं वापस होते जाता है, यानी वो रास्ता में जाने के बाद वो उसी रास्ते में घूमते जाता है। वो समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो समझ जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, छल हुआ है। ऐसा करते करते रात के लगभग 3 से 4 बज जाते हैं और ये चीज़ उसके साथ होती रहती है। होते होते लगभग 4 बज जाते हैं और राहुल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। फिर ऊपर वाले का नाम लेता है और वहाँ पे कुछ देर बाद उसको कुछ व्यक्ति लगभग 5 से 6 बजे के बीच कुछ व्यक्ति दिखाई देते हैं सुबह सुबह। तो वह उन लोगों से रास्ते का मार्ग पूछता है, तो उन्हें बताते हैं कि रास्ते पे एक छलावा होता है जो रास्ते में लोगों को छलता है, वो उन्हें गलत मार्ग पर पहुँचाता है। तो फिर वो उसे सही रास्ता बताते हैं, फिर वो अपने गलतों में तक रास्ते का सही मार्ग पर जाके सही रास्ते पर पहुँच पाता है। यह घटना दोस्तों बहुत ही खतरनाक राहुल के साथ घटित हुई थी। आपको ये घटना कैसी लगी इस वीडियो में कमेंट्स करके बताइए। आपको मिल जाएगी।